हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एप्लिक का ये नेक बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये फैब्रिक लेंगे दो कलर का, ये शर्ट वाला फैब्रिक और ये ऊपर से डिज़ाइन बनाने वाला फैब्रिक। इसके अलावा आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, मल्टी में ही बना सकते हैं। ये नीचे वाला फैब्रिक तो आप कोई भी कॉटन का ले लीजिए, और ऊपर वाला फैब्रिक आपको लोन लेना है या कैम्ब्रिक। ये दोनों फैब्रिक मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ। और थ्रेड चाहिए इस कलर का, मैचिंग थ्रेड चाहिए, मैंने दूसरे कलर का लिया है पर आपको बताने के लिए। और ये पेंसिल चाहिए हमें इस पर मार्किंग के लिए, ड्राइंग करने के लिए। और ये सीज़र चाहिए और स्केल मेजरमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। देखिए, मैंने ये भी काटा था, छोटा सा काटा था ये पेपर पर। और ये साइड वाला फ्लावर है जो लगे हुए हैं साइड में, ये फ्लावर है, दोनों मैंने पेपर पर काटे थे। पर मैं आपको अब फैब्रिक पर भी बताऊंगी, पहले उससे पहले पर पेपर पर बताऊंगी। ये इसके लिए पेपर लिया है, सबसे पहले 8 इंच इस साइड से, 8 इंच इस साइड से, स्क्वायर शेप में इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कॉर्नर से कॉर्नर, और एक बार वो करेंगे, फिर एक बार और करेंगे इस तरह से। अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मार्किंग देखिए, 0.5 लेंगे यहां से और 0.5 लेंगे इधर से, इस तरह इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। अब ये 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे ट्रायंगल बॉर्डर के, एक यहां पर लगाया और एक यहां पर, एक यहां, यहां इस तरह। यहां पर ट्रायंगल बॉर्डर बना देंगे और अब अंदर इसकी मार्किंग करेंगे। यहां से थोड़ा सा छोड़कर इस तरह फ्लावर की शेप बनाओ, यहां से भी 0.5 इंच छोड़ देना है और एक इसके अंदर फिर लीफ बना लो यहां से, पेटल्स, यहां पर पेटल बना लो इस तरह। और यहां पर ये स्पेस बचा हुआ है, यहां से इस तरह ले लो। इसी कटिंग करते हैं। अब सबसे पहले ये काटेंगे ट्रायंगल कट, इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको बस इसको स्ट्रेट लेने के लिए बनाया था यहां से। अब यहां से काटेंगे, ये ओपन हो गया इस तरह का आएगा। ये हम पेपर पर इसलिए काटते हैं कि अगर हमें फैब्रिक पर बहुत सारे बनाने होंगे ना, जैसे क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी, 1, 2 या 3 जितने भी, तो फिर हमारे वो एग्जैक्ट साइज़ आएगा, छोटे बड़े नहीं होंगे। इसलिए हम पेपर पर काट लेते हैं पहले एक, और अगर वेस्ट भी होगा तो हमारा पेपर ही होगा, फैब्रिक नहीं होगा, अगर गलत भी हो जाएगा। अब हम आते हैं फैब्रिक पर। देखिए, इसी साइज़ का लेंगे हम फैब्रिक, उसे भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। फैब्रिक में पिन लगा लेंगे जिससे ये हमारा इधर उधर नहीं हो, बाद में इनको निकाल देंगे। अब इस पे मार्किंग करेंगे, इसी को देखिए वापस फोल्ड किया, इसको इस पे रखा ऐसे, और इस पर इस तरह निशान लगाएंगे। इसके लिए मैंने व्हाइट पेंसिल यूज की है, ये डार्क कलर है इसलिए इस पर मेरा वाटर इरेजेबल पेन दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने इस पर ये ली है पेंसिल। देखिए, इस तरह इस पे निशान बन गए। अब इनको काट लो।
इसी से कई बार काट सकते हैं हम। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है शर्ट वाला, इसको इस पर रखेंगे इस तरह से, जहां पर भी रखना होगा हमें सेट करेंगे। और ये अगर आप नहीं काटो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बीच वाला काटो, इसके ऊपर से ऐसे भी लगा सकते हो, व्हाइट वाला लेकर ऊपर से इसको कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। ये तो मैंने काट दिया है, व्हाइट लेकर उस पे लगा देना पेज, वो आसान है ज्यादा। अब इसकी हेमिंग करते हैं। हेमिंग के लिए मैंने थ्रेड ये लिया है, मैचिंग लेना है आपको, पर मैंने ये इसलिए लिया है कि जो आपको दिखाई दे सके वीडियो में। सबसे पहले तो इसमें पिन लगाएंगे, इस तरह इसको पिन से सेट कर लो। या फिर कच्चे स्टिच भी लगा सकते हो आप। ये नीडल में डाल लेंगे, सिंगल थ्रेड लेंगे और ट्रायंगल कट से शुरू करती हूँ। इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह बनेंगे ट्रायंगल बॉर्डर, इस तरह बनेगा ट्रायंगल बॉर्डर। अभी अंदर वाला बताती हूँ ये किस तरह करना है। देखिए ये है ना, इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और हेमिंग करते जाएंगे। इस तरह पूरा इसी तरह बनेगा, यहां से भी सब फोल्ड कर देंगे, ये सब इसकी शेप बन जाएंगी। और अगर चाहो ना तो ये पिन नहीं लगाकर आप इसका भी यूज कर सकते हो, इससे चिपका भी सकते हो और
पिन के बाद में अगर ये नहीं लगाना है आपको तो आप कच्चे कच्चे स्टिचेस डाल लो, इस तरह मैं बता देती हूँ वो भी लगाकर आपको। देखिए इस तरह से, पहले इसको सेट करने के लिए, बाद में इनको निकाल दो हेमिंग करने के बाद, इस तरह पूरा सेट हो जाएगा उससे। सब जगह लगा लीजिए आप ये, उसके बाद में बहुत आसानी से बन जाएगा ये, हेमिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई भी डिज़ाइन हो वो आप इसी तरह बना लेंगे। इस पर मैंने हेमिंग बता दी है, कटिंग भी सब बता दिया है। अब ये फ्लावर काटेंगे 6 पेटल्स वाला। इसके लिए मैंने पेपर लिया है 4 इंच इस साइड से, 4 इंच इस साइड से, इसको इस तरह फोल्ड किया और इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इस तरह एक इस तरह, तीनों बराबर बराबर के आ जाएंगे ये। अब इसको यहाँ से कट कर दो इस तरह से, इसको एक बार और फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाओ और यहाँ से थोड़ी सी शेप करो, इसे काट दो और इसको यहाँ से इस निशान तक काट लो। ये इस तरह से फ्लावर की कटिंग हो गई। इसको भी इसी तरह फैब्रिक पर काट लेंगे और इसकी हेमिंग कर देंगे, ये शेप आ जाएगी इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का बटन भी प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।